हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ नोटिस राइटिंग, जो कि क्लास 11th और 12th में 5 मार्क्स का पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग नोटिस राइटिंग को लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं कि ये 50 वर्ड में पूछता है, ये 50 वर्ड में पूछता है और कितने मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले मैं नोटिस का कैसे फॉर्मेट कैसे होता है, किस तरीके से लिखना होता है, ये मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे नोटिस लिखने से पहले सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना पड़ता है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसका नेम लिखना पड़ता है। देन उसके जस्ट नीचे में कैपिटल लेटर में आपको नोटिस लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे उसके जस्ट नीचे वाला लाइन में डेट लिखना पड़ता है और यहाँ पे फिर उसके नीचे वाले लाइन में मेन पॉइंट। अब यहाँ पे शर्त है ये है कि जो ये मेन पॉइंट जो आप लिखेंगे वो एकदम बीचों बीच में होना चाहिए, और ये जो नोटिस है ये नोटिस भी बीच में होना चाहिए और मेन पॉइंट भी बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे जो बीच में और कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और यहाँ पे डेट लिखेंगे जो साइड में होगा, डेट लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ मेन पॉइंट उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बॉडी लिखेंगे, बॉडी मतलब कि जो भी आपका आप किस लिए नोटिस लिख रहे हैं, क्या कारण है, कुछ तो वजह होगा इसलिए नोटिस लिख रहे, तो उस कारण उसका हम लोग लिखेंगे। तो उसका भी एक शुरुआत करने का तरीका होता है, क्योंकि मतलब आप जैसे जैसे अपनी मर्जी से जैसे तैसे लिख देते हैं तो एग्जामिनर उसको अच्छे से चेक नहीं करता, अच्छा मार्क्स नहीं देता है। और वही आप अगर थोड़ा सा शुरुआत में अच्छे ढंग से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको कैसे लिखना रहता है। तो यहाँ इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, इतना लिखने के बाद, ये बॉडी है, इतना लिखने के बाद आपका जो भी कारण है जिस वजह से आप लिख रहे वो लिखेंगे। उसके जस्ट फिर जब ये अंत हो जाएगा, जहाँ पे फिनिश होगा उसके नीचे में आप अपना नेम लिखेंगे और फिर पोस्ट, आप किस पोस्ट पे हैं वो अपना पोस्ट लिखेंगे। ये तो हो गया। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और ये याद भी हो जाता है। तो यहाँ है ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज आर इन्फॉर्म्ड दैट, तो ये भी आप लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था फॉर्मेट। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल है। राइट अ नोटिस टू बी डिस्प्लेड ऑन योर कॉलेज नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट अ लीव ऑफ 2 days ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। यहाँ पे हम लोग को एक नोटिस तैयार करना है, दिवाली के शुभ अवसर पे छुट्टी के लिए एक नोटिस तैयार करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल है, तो आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो आपका इंस्टीट्यूशन नेम हो जाएगा। जैसे फॉर्मेट में मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है सबसे पहले, तो यहाँ पे आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ का वो आपका इंस्टीट्यूशन नेम हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे, जैसे यहाँ झारखंड कॉलेज है, तो यहाँ आप झारखंड कॉलेज बड़कागांव लिख लेंगे, या जो भी आप जहाँ भी पढ़ते वहाँ का नेम लिख लेंगे। उसके जस्ट नीचे में नोटिस, जो कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कैपिटल लेटर में और मिडिल पॉइंट पे होना चाहिए। उसके बाद जस्ट नीचे में आप यहाँ पे डेट डाल देंगे, और डेट किस तरीके से डालना, ये नहीं कि आप जो आम ऐसे लिखते हैं उस तरह से नहीं लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है जैसे आप 11th या 12th जो भी लिख रहे हैं, 11th अक्टूबर, उसके बाद कॉमा लगाना है, देन आपको ईयर लिखना है। फिर उसके जस्ट नीचे से मिडिल पॉइंट पे ही आप किस कारण से नोटिस लिख रहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग को दिवाली का छुट्टी मिल रहा है, तो दिवाली की छुट्टी के लिए नोटिस हमें लिखना है। तो यहाँ पे मेन कारण है हमारा, जो मेन पॉइंट है वो है लीव फॉर दिवाली, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है लीव फॉर दिवाली। अब यहाँ पे बॉडी लिखना है, बॉडी मतलब जो भी कारण है, आप किस कितना कितना दिन का छुट्टी ले मिल रहा है वो हमें बताना है।
तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें शुरुआत करना है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू बी क्लोज्ड फॉर टू डेज फ्रॉम 27th अक्टूबर टू 28th अक्टूबर 2019 ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली। तो यहाँ पे है, नोटिस बोर्ड में लिखा गया है कि सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा कॉलेज क्लोज होने जा रहा है, कितना 27 से 28 अक्टूबर तक बंद होने जा रहा है कॉलेज। किस तो क्या रीजन क्या है, तो वो है मतलब एक पवित्र त्योहार दिवाली, दिवाली के अवसर पे हमारा कॉलेज 2 दिनों के लिए क्लोज होने जा रहा है 27 से 28 तक। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर द कॉलेज विल री ओपन ऑन 29 अक्टूबर 2019 ऑन द सेम टाइम। अब मतलब जैसे छुट्टी तो मिल रहा है, तो अब कॉलेज कब ओपन होगा ये भी तो बताना जरूरी है। तो वो जो नोटिस था, वो छुट्टी का नोटिस लिखा चुका है, और उसी के जस्ट नीचे से पैराग्राफ छोड़ के और आपको लिखना है, द कॉलेज विल री ओपन ऑन 29 अक्टूबर 2019 ऑन द सेम टाइम। उसी समय में कॉलेज क्या होगा, फिर से ओपन होगा। और तो ये था, अब इसके जस्ट नीचे में एक लाइन छोड़कर और अपना नेम लिखना है, अपना नेम। अगर क्वेश्चन में किसी का नेम दिया हुआ है तो आप वही नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन में जैसे रागिनी दिया हुआ है और आपका आपका नेम अंजू है, तो आप अंजू गलती से भी मत लिखिएगा। आप जो क्वेश्चन में रागिनी दिया हुआ है तो रागिनी ही लिखिएगा, और अगर क्वेश्चन में कोई नेम नहीं दिया हुआ है तो आप अपना नेम लिख सकते हैं या अपने मर्जी से कोई भी नेम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई नेम नहीं दिया हुआ था, तो मैंने अपना नेम, मैंने यहाँ पे एक नेम डाल दिया है। उसके बाद आपका पोस्ट क्या है, वो आप अपना पोस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का पोस्ट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है द प्रिंसिपल। तो इतना लिखने के बाद, ये तो अब एक नोटिस कंप्लीट हो गया, लेकिन नोटिस में भी कुछ रूल होता है। पूरा नोटिस लिख लेने के बाद उसे एक बॉक्स में क्लोज करना होता है। अगर आप एक बॉक्स में उसे क्लोज नहीं करते तो फिर वो नोटिस का वैल्यू में नहीं आता है। तो आपको उसे एक बॉक्स में कंप्लीट कर, ये बंद कर देना है जो भी आपने नोटिस लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा 2 पेज में चला गया, आधा यहाँ पे नोटिस आ गया और आधा मेरा नोटिस जो है वो इस पेज में आ गया। तो इसमें भी है कि आप जैसे आधा इस पेज में आ गया है, तो इस पेज वाले नोटिस को आपको इस तरह से बॉक्सिंग करना है, इस तरह से आपको यहाँ से इस तरह से करना है, और फिर जो आधा इस पेज में चला गया है, इधर आ गया है, उसको ऐसे करके नीचे से क्लोज करना है। तो इस तरह से इसे बॉक्सिंग भी कर देना है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।